सोच रहे हैं ना मैंने क्या किया, मुझे ये करने में कोई शर्म नहीं है। तो आज का मेरा वीडियो है, वीडियो पूरा डेडिकेट है किन्नर समाज को। जी हाँ, आज मैंने लुक भी किया है शक्ति सीरियल से इंस्पायर होकर, सौम्या का लुक मैंने किया है। आप लोग थंबनेल में देख ही लिए होंगे कि सौम्या से रिलेटेड मैंने पिक अपना दिया है। तो यस, आज का वीडियो उनके लिए है, किन्नर समाज के लिए, और ये मेरा तरीका है उनको रिस्पेक्ट देने का। और होप मेरी इस वीडियो को देखकर अगर एक पर्सन भी उनकी इज्जत करना स्टार्ट करते हैं तो मुझे लगेगा कि मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो गया, क्योंकि लोगों को सोच बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैंने बहुत बार देखा है रास्ते में, रोड में, कहीं भी अगर किन्नर को कोई देखते हैं, गर्ल्स हो या बॉयज हो, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनके लुक को देखकर उनका मजाक उड़ाते हैं। क्यों? उनको अभी हाके मेकअप करने का। उनका मेकअप पे मैंने दो तीन दिन पहले ही देखा, किसी लड़की ने कमेंट किया, बहुत गंदा कमेंट किया। मैंने तो जवाब दिया था, लेकिन ट्रैफिक थी उस समय तो मैं ज्यादा बोल नहीं सकती थी। सो मैंने सोचा ये वीडियो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी लगता है मुझे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो उनको देखकर मजाक उड़ाना बंद करें, क्योंकि उनका मजाक नहीं, आप खुद का मजाक उड़ा रहे हैं। उनको देखकर कमेंट पास करना बंद करें, क्योंकि इससे आपकी इज्जत कम होती, ना कि उनकी। उनका इज्जत करना सीखे, क्योंकि हमारे समाज में उनको भी स्थान मिल चुका है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और लोगों को सोच बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिनकी सोच घुटनों में है। मुझे बहुत बुरा लगता है कि क्यों आके उनके साथ ऐसा किया जाता है। वो भी एक इंसान है, उनका भी हक बनता है, उनका उनकी मर्जी, वो जैसे भी स्टाइल करे, जैसे भी रहे, उनकी मर्जी है ये। कोई भी किसी के बीच में बोलने का किसी को भी हक नहीं है। तो मेरा ये वीडियो आज उन्हीं को डेडिकेट है, और मेरे तरफ से तो उनको हैट्स ऑफ, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है जब हमारे समाज में जिनकी सोच घुटनों में होती है, उनके वजह से मैम लोग को प्रॉब्लम होती है। सो प्लीज रिस्पेक्ट करिए उनकी, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, उनकी रिस्पेक्ट करना सीखिए। तो चलिए मैं आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। और एक और बात, जिसे लगता है कि मेरी ये वीडियो अच्छी नहीं, देखने का मन नहीं है अगर, तो आप मेरी वीडियो को छोड़ सकते हैं, और मुझे सब्सक्राइब किया है अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जिनकी सोच छोटी है। मेरे भले ही 5 सब्सक्राइबर हो या 5,000 हो, लेकिन मुझे अच्छे लोग चाहिए, ना कि उनकी सोच जिनके घुटनों में है, मुझे वैसे लोग बिल्कुल नहीं चाहिए। तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगती हो। थैंक यू सो मच। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और बाकी मेरे प्यारे सब्सक्राइबर जो है, होप मेरी बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे और आप लोग भी उनकी रिस्पेक्ट करते होंगे। थैंक यू सो मच। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये मैंने चोबा का ब्लैक आई शेडो पिक किया है, जिसकी हेल्प से मैं अपने ब्रोज को फिल कर लूंगी। बहुत ज़्यादा डर्मेटिक यूज नहीं करूँ, ज़्यादा डर्मेटिक मैं आईब्रोज नहीं फिल करूँगी। मैं जितने मेरे आईब्रो हेयर्स है बस उसको मैं अच्छे से फिल कर ले रही हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक एंगल ब्रश की हेल्प से। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं प्रॉपर ब्रशेज की यूजेस दिखाऊं, तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं पूरे ब्रश सेट को कैसे यूज़ किया जाता है मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो ये मैंने कर लिया फिर, और अब मैं स्पूली की हेल्प से इसको साफ कर लूँ, झाड़ ले रही हूँ। जितने भी आईब्रो की हेयर्स है वो एक लाइन में आ जाएंगी, जिससे कि बहुत ही अच्छा लुक आएगा। और आईब्रो को फिल करने के बाद मैं एले गर्ल का कंसीलर ले रही हूँ, शेड है लाइट, इससे मैं क्लीनिंग कर लूँगी। इससे आपकी आईब्रोज जो है बहुत शार्प दिखेगी, बहुत क्लियर क्लीन दिखेगी। तो इसे ही, इस कंसीलर को मैं एज अ आई प्राइमर भी यूज़ करूँगी। आई प्राइमर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आप ये देते हो तो आपकी आई शेडो जो है वो उसकी कलर खुल के सामने खुल के आती है, तो इसलिए हम लोग आई प्राइमर देते हैं। तो इस तरह से मैं आई में कंसीलर दे रही हूँ, और अब मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी धीरे धीरे करके। तो ये मैंने ब्लेंड कर लिया है, और अब ब्लेंड करने के बाद फिटमी का कॉम्पैक्ट लेकर, आप कोई भी लूज पाउडर या कोई भी पाउडर लेकर आप सेट कर सकते हैं। ये वहाँ पर कॉम्पैक्ट से सेट कर ले रही हूँ, ताकि क्रीज लाइन ना पड़े। तो इसे सेट करने के बाद अब मैं चोबा का रेड आई शेडो
लूंगी और इसे क्रीज लाइन में पहले मैं अप्लाई करूंगी। चोबा का आई शेडो मुझे बहुत पसंद है। यू नो आपको ये 150-200 में सिंगल पीस मिलते हैं, वेरी पिगमेंटेड आई शेडो, ट्रस्ट मी, आप लोग देख ही रहे हो। तो इसे मैं अपने पूरे आईज में लगा ले रही हूँ और इसे लगा कर अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, ऐसा ना लगे कि कुछ थोपा हुआ है, अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। बहुत ही कम आपको ये पिक करना है। तो उसके बाद अब मैं ब्लैक आई शेडो ले रही हूँ, जो कि थोड़ा ये मैट नहीं है, ये थोड़ा सा शिमरी है। तो इसे मैं कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए आउट से इन की तरफ जा रही हूँ। यू कैन सी इस तरह से ब्लेंड कर लेना है, अच्छे से ब्लेंड करना है। एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से आपको ये ब्लेंड करना है। उसके बाद फिर से मैं रेड कलर ले रही हूँ, क्योंकि ब्लैक कलर 75% में आ गया है, इसलिए अब दोनों को 50-50% करना है। तो देखिए ब्लैक 50% है एंड रेड 50% है। आज बस ये दो कलर से ही मैं आई मेकअप कंप्लीट करूँगी अपना। यहाँ पर हो गया कंप्लीट और अब मैं एवॉन का लाइनर यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा विंग लाइनर आज करूँगी, क्योंकि सौम्या ने सीरियल में विंग लाइनर अप्लाई किया है, तो इसलिए मैं भी थोड़ा सा विंग लाइनर ही लगाऊंगी। इस तरह से मैंने लाइनर लगा लिया है और अब मैं वॉल्यूम मस्कारा यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का, जो कि वाटरप्रूफ नहीं है। अगर आपको वाटरप्रूफ चाहिए तो सेम प्राइस में आपको वाटरप्रूफ भी मिल जाते हैं। मैंने अदर वीडियो में वाटरप्रूफ यूज़ किया है, बट ये भी तो यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। और अब मैं फेस में एज अ प्राइमर एवॉन का ऑयल यूज़ कर रही हूँ। मैंने क्लिनजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग ऑलरेडी कर लिया था, इसके बाद मैं प्राइमर की जगह मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी इट्स अमेजिंग ऑयल, मतलब ये ऑयल लगा कर अगर आप मेकअप करते हो, आपका मेकअप बहुत ही फ्लॉलेस लुक देता है, बहुत ही अच्छे तरीके से मेकअप सेट हो जाता है फेस में। और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है फेस में, नेक में। तो ये ब्लेंड करके मैंने अब कंसीलर लिया है। आज मैं रेड करेक्टर यूज़ नहीं करूँगी, अगर आपके ब्लैक डार्क सर्कल है तो आपको रेड करेक्टर यूज़ करने पड़ेंगे, लेकिन मेरे अभी इतनी ज़्यादा डार्क सर्कल ब्लैक नहीं है, रेड है, इसलिए मैं वार्म हनी कंसीलर यूज़ कर रही हूँ एले गर्ल का। और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, हल्के हाथ से टैप करते हुए ब्लेंड करना है। आप चाहे तो ब्लेंडर को वेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने वेट नहीं किया है अभी। तो अच्छे से ब्लेंड कर लिया है मैंने ये। इसके बाद मैं एवॉन का फाउंडेशन ले रही हूँ, जो कि थोड़ा सा हाई कवरेज देता है। इसे अब मैं अपने फेस में और नेक में अप्लाई कर लूँगी, लेकिन ब्यूटी ब्लेंडर से टैप करते हुए मैं आज अपना मेकअप को अपने फाउंडेशन को कम्प्लीट करूँगी, क्योंकि ब्रश से मैं हमेशा ही दिखाती हूँ, तो आज मैं ब्यूटी ब्लेंडर से दिखाना चाहती थी, इसलिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। और आप ब्यूटी ब्लेंडर को वेट कर सकते हैं, मैंने वेट नहीं किया है, बट वेट करने से अच्छा होता है। आपकी पहली बार तो वाटरप्रूफ मेकअप बन जाती है, एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट आपकी जितनी पोर्स है उनको उनमें अच्छे से लॉक हो जाता है अगर आप वेट करते हैं। ऐसे भी हो जाते हैं, लेकिन वेट करने से ज़्यादा अच्छा रहता है, और प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट ब्यूटी ब्लेंडर में कम ऑब्जर्व होता है। तो इस तरह से मैंने ब्लेंड कर लिया है। अपने कानों को ईयर्स को बिल्कुल ना भूले, वरना डिसकलर हो जाएगा। और फिर मैं कंसीलर ले रही हूँ हाईलाइट करने के लिए, एले गर्ल का लाइट शेड। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे विथ नेम। तो इसे मैं अब अपने अंडर आई में, नोज में, फोरहेड में, चीन में, सब जगह अप्लाई कर रही हूँ। और फिर से इसे अच्छे से हल्के हाथ से ब्लेंड करना है, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करनी है, हल्के हाथ से ब्लेंड करना है, आराम से ब्लेंड करना है, क्योंकि जल्दबाजी में मेकअप ख़राब हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रख कर ब्लेंड करना पड़ेगा, क्योंकि यही मस्ट होता है फ्लॉलेस लुक के लिए। और अब मैं कंटूर कर रही हूँ कलर वर्क के कंटूर किट से, जो कि मेरी फेवरेट है। और इससे मैं नोज़ को शार्प कर रही हूँ अभी। और आपको कंटूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मेकअप के बाद कंटूर नहीं करते हो, तो अगर आप पिक क्लिक करते हो, तो आप देखना आपकी पूरी मेकअप, पूरे
फेस ब्लर लगेगा, आपके नोज कहाँ है आपको समझ ही नहीं आएगी, इसलिए कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कंट्रोल करने से आपकी नोज शार्प, बिल्कुल साफ भी दिखती है। और जिनके फोरहेड बड़े होते हैं जैसे कि मेरे, तो वहाँ फोरहेड में हल्के से अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। मैंने वीडियो को थोड़ा सा एडिट करके फास्ट किया है ताकि कम टाइम में वीडियो बन जाए। ओके, अब मैं यहाँ पर कोई लूज पाउडर यूज़ नहीं करूँगी, यहाँ पर मैं फिटमी का ही कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, शेड 120। ये थोड़ा सा हाई कवरेज देता है इसलिए मैं डायरेक्ट कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहे तो लूज पाउडर से भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ टैप करते हुए। आप गलती से भी इसे रब नहीं करिएगा क्योंकि रब करने से मेकअप ख़राब हो सकता है। गले में भले आप रब करके हल्का सा लगा सकती हैं लेकिन फेस में रिक्स बिल्कुल नहीं लेना है। तो इस तरह से मैं टैप कर लूँगी और जितने एक्सेस पाउडर है उसे मैं ब्रश की हेल्प से क्लीन कर लूँगी। तो इस तरह से जितने भी एक्सेस पाउडर है खुद ब खुद निकल जाएगी। बहुत ही हल्के हाथों से करना है ये। और ये मैं थोड़ा फनी फेस बना रही हूँ। ओके, अब मैं स्मैश बॉक्स की आई शेडो पैलेट से ब्लैक कलर पिक कर रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। तो इसे मैं अपनी लोअर लैश लाइन में अप्लाई कर रही हूँ एकदम हल्की, ज़्यादा ब्लैक नहीं करना है इसलिए मैं हल्का सा अप्लाई कर रही हूँ। और इसके बाद मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा आई लैस दिखे। वैसे भी मेरी कम है आई लैसेज एंड आईब्रोज, हेयर भी कम है एंड ब्लैक भी नहीं है। तो अब मैं ब्लशर यूज़ कर रही हूँ, ऑरेंज कलर का पिक कर रही हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा हाई कवरेज मेकअप है इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही ब्लशर दे रही हूँ। और आप ये सेम मेकअप आप स्टेज मेकअप में यूज़ कर सकती हैं, तो ये एक स्टेज मेकअप भी है। और अब इसके बाद मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। हाइलाइटर के लिए मैं स्विस ब्यूटी का अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मेरा सिवाना का हाइलाइटर टूट गया है और इसकी बहुत क्या बताओ बहुत ही दुखी हूँ मैं, इसलिए पता नहीं कैसे टूट गया वो, तो इसलिए मैं स्विस ब्यूटी का दिखा रही हूँ जो कि बहुत ही पिगमेंटेड और बहुत ही अच्छा है। ये आपको 220 में तो आराम से मिल जाएंगे और बहुत अच्छा है। फोरहेड में भी अप्लाई कर ले रही हूँ। सो यस, हाईलाइटर अप्लाई करने के बाद अब मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। मैंने ऑलरेडी लिप बम लगाया हुआ है तो मैं अभी लगा कर नहीं दिखा रही हूँ। तो बस रेड कलर का लिपस्टिक अब धीरे धीरे अप्लाई कर रही हूँ और उसी की टिप से, स्टिक की टिप से ही मैं लाइन बना लिया पहले मैंने और फिर उसके अंदर मैं फिल कर लिया। इससे आपको लिप लाइनर की ज़रूरत नहीं है, लिपस्टिक से ही आपका काम बन जाता है जिस तरह से मेरी हो गई है। यस, यहाँ पर हो गया कंप्लीट। और अब मैं इसे एक बिंदी के साथ कंप्लीट कर रही हूँ और एक नोज पिन के साथ। तो यस, ये है मेरा फाइनल लुक। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।